हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस। अभिप्सा के मिशन 2023 में आप सभी का फिर से एक स्वागत है। तो अभी तक मैं बात करूं तो 4 अध्याय हम लोग कर चुके हैं। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 पूरा निपटा चुके हैं सीक्वेंस वाइज। आज से हम लोग अध्याय 5 शुरू करने वाले हैं। इस अध्याय को शुरू करने से पहले मेरे एक स्टूडेंट है, इसी यूट्यूब में यूट्यूब की क्लास वो अटेंड कर रहे हैं, जिनका नाम है मधुकर मानिकपुरी। तो मधुकर मानिकपुरी जी, आपको बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि एक वीडियो में मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, वो कैलकुलेशन मिस्टेक आपने बताया, तो इसके लिए तो बहुत बहुत थैंक्स आपका। और उससे भी ज्यादा थैंक्स मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर वो मिस्टेक को पकड़ पाए हैं ना, इसका मतलब है कि आप वीडियो को ना आप लाइन से देख रहे हैं। आप वो मिस्टेक को तभी पकड़ पाए हो जब आप बहुत सीरियस ढंग से शुरू से वीडियो को देख रहे हो, अदरवाइज वो मिस्टेक साइड में था, अगर आप रैंडमली देखते तो पकड़ नहीं पाते। तो ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, आप इसी तरह बने रहिएगा। आपको एक एक चीज मिलते रहेगा। और जो भी स्टूडेंट है, आप इस वीडियो को देखिए, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। बहुत सही सही क्वेश्चन डिजाइन करके मैं आप लोग को दे रहा हूँ। हाँ, एक आध बार ह्यूमन एरर हो जाता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, सो वरी करने की कोई बात नहीं है। जितने भी कंसेप्ट है ना, लेकिन वो 200% सही है, पूरे रिव्यू के बाद आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार थैंक्स बोलता हूँ हमारे मानिकपुरी साहब को। ठीक है, तो आप देखिए, अब हम लोग ना अध्याय पांच देखेंगे। तो ऐसे आप लोग भी कमेंट करो जैसे मेरे को स्टूडेंट का नाम याद हो जाए। अब मधुकर मानिकपुरी जी को मैं मतलब ये सेशन का क्या अभी मैं भूलूंगा ही नहीं, मतलब जब भी मैं यूट्यूब में आऊंगा, मतलब आपको याद रखूंगा मैं। तो जितने भी बच्चे देख रहे हो यार, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो इस अध्याय को अब चालू करते हैं। ये अध्याय ना बहुत ज्यादा बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि अध्याय ना बहुत नंबर देके जाएगा। बताऊं क्या, देखो इसमें ना दो क्वेश्चन आएगा, दो नंबर आएगा, मतलब ये 4 नंबर देके जाएगा ये वाले क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन दो नंबर का रहेगा। तो हो गया क्या, 4 नंबर हो गए, 4 नंबर ये हो गया। पहला पड़ाव ये पार कर लेंगे, उसके बाद ना एक क्वेश्चन आने वाला है और वो क्वेश्चन देके जाएगा 4 नंबर, मतलब 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा जो कि रहेगा 6 नंबर का। तो अगर ध्यान से देखोगे तो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 2, 3, 4, तो 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। जो नंबर कितने देके जाएंगे, 4 और 4 8, 8 और 6 14 नंबर देके जाएगा भाई। 14 नंबर वाला अध्याय और 14 का 14 आपको मिल जाएगा, एकदम इजी है। तो इसमें सांतत्य की मैं बात करूंगा, उसके बाद अवकलनीयता की बात करूंगा। अगर आप सांतत्य समझ गए तो अवकलनीयता ना मैं बता रहा हूं, ऐसे ही आप अगर देख लोगे तो समझ जाओगे। तो पूरा जोर ना सांतत्य पे लगाना है। तो ये तो भाई बाय वन गेट वन फ्री है, इसको खरीद लो, ये आपस में मिल जाएगा, ये तो मिल जाएगा, फ्री है बोला मैं यार, फ्री। और ये है फिर अवकलन, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आने वाले अध्याय में हम लोग समाकलन भी पढ़ेंगे और समाकलन को वही इंसान समझ सकता है जो अवकलन को अच्छे से समझाओ। तो मैं जबरदस्त क्वेश्चन लाऊंगा और बेहतरीन तरीके से ना कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, स्पेशली इसका, और इसका तो जबरदस्त तरीके से होने ही वाला है। तो ठीक है यार, तो टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, 14 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं चालू करता हूं। तो देखो ध्यान से, अभी मैं सांतत्य की बात करूंगा। देखो सांतत्य को क्या क्या बोलते हैं, एक तो सांतत्य बोलते हैं, संतत भी बोलते हैं और सांत्यता भी बोलते हैं। क्लियर है क्या, 3 नाम से पुकारा जाता है इसको। तो देखो अब इसके बारे में बोलना चालू कर रहा हूं। कोई फलन एफ ऑफ एक्स पर संतत होगा यदि, कोई फलन एफ ऑफ एक्स पर संतत होगा यदि, उसकी शर्तें कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ ए है। ये सब समझाऊंगा क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड साइड नहीं है ये, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग याद है पहले, इससे पहले हम लोग सिद्ध करने में लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिखते थे। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड अलग है, राइट हैंड साइड अलग है। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलता है, बायां पक्ष, राइट हैंड साइड दायां पक्ष। यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट है तो ये क्या है, पक्ष नहीं है, बायां सीमा है, सीमा,
और ये दायां सीमा। तो ये देखो बायां पक्ष, ये बायां सीमा, ये दायां पक्ष, ये दायां सीमा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है, यहाँ राइट हैंड साइड है, यहाँ राइट हैंड लिमिट है। और ये एफ ऑफ ए क्या है अभी क्वेश्चन में बताऊंगा। अभी मोटा मोटा ये समझ लो कि जो ए होता है ना, ये वो होता है जहां पे फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है, जहां पे फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है, ये मैं बताऊंगा। तो ये पहला कंडीशन आपको एकदम से याद होना चाहिए, बस यही याद करना है। एक और होता है, एक और होता है, किसी किसी बुक में आप लोग को देखने को मिलेगा। देखो यहां पे लिखो एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए, एक्स की जगह आपने क्या डाल दिया, एक्स की जगह क्या डाल दिया, ए डाल दिया। तो बताओगे ना भाई यहां पे, तो यहां पे लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए, भैया एक्स की जगह हमने ए पुट किया, यहां पे हमने बता दिया, ठीक है। ये इसको मैं हटाता हूं और इसको भी एक बक्से में बंद करता हूं। ध्यान से बस देखते रहना ना, ध्यान से बस देखते रहना, इसका हम लोग को ज्यादा यूज नहीं है, पर फिर भी बुक में लिखा रहता है तो आप लोग को समझ जाओ। मेन तो आप लोग को इसी में फोकस करना है, बस बस यही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला। अब इसको मैं समझा रहा हूं तो ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहना, मैं बोला ठीक। अब इसको मैं समझा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं ये बोल देता हूँ संतत के बारे में, आप लोग को एक चीज मैं बताता हूँ, एक चीज मैं बताता हूँ, उसके बाद बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। कि अगर मैं संतत बोलूँ कि एक बार देख के आप संतत है कि नहीं ये मेरे को बता दो, मैं ये बोल रहा हूँ संतत है कि नहीं, सिर्फ देखो और बता दो। तो देखो संतत का एक देसी भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है, संतत को देसी भाषा में बता रहा हूँ कि अगर मेरा पेन नहीं उठा ग्राफ बनाते समय, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये हम लोग को मालूम है, ये माइनस एक्स अक्ष होता है, ये माइनस वाई, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये माइनस एक्स अक्ष होता है, ये माइनस वाई अक्ष होता है, ध्यान से देखना। अगर ग्राफ बनाते समय मेरा पेन नहीं उठा मतलब कि वो संतत फलन है, मतलब कि वो संतत फलन है। देखो यहाँ पे मेरा पेन उठ रहा है क्या, ये मैं एक ग्राफ बनाया, मेरा पेन उठा क्या, इस ग्राफ को बनाने के लिए, यहां से यहां तक ग्राफ को बनाने के लिए मेरा पेन उठा, नहीं उठा, नहीं उठा, तो ये संतत फलन है, संतत फलन है। अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बना रहा हूं, ऐसा ग्राफ बना रहा हूं, ये ऐसा बनाया, अब इस पेन को उठाया और यहां से ग्राफ बना रहा हूं, ये यहां पे बड़ा गोला लो, यहां पे ऐसे करो और यहां पे ऐसे करो बड़ा, तो यह बनाते समय मेरा पेन उठा। देखो मैं यहां से चुपचाप ग्राफ बनाते हुए आ रहा था, फिर पेन को मैं उठाया, यहां पे ऐसे ऐसे किया, फिर पेन को उठाया, एक लाइन बनाया, तो ये ग्राफ बनाते समय मेरा पेन उठा। तो अगर मेरा पेन उठ गया ग्राफ बनाते समय, उसका मतलब वो संतत नहीं है, ये संतत है और ये संतत नहीं है, क्लियर है क्या। तो कोई भी ग्राफ देख के आप फट से बता देना कि संतत है कि नहीं, तो आप लोग का एक टेस्ट लिया मैं, आप लोग का एक टेस्ट लिया मैं, आप लोग को बताना है कि ये ग्राफ संतत है कि नहीं, आप लोग को ये बताना है, ये वाला ग्राफ, चलो ये डॉटेड करके मैं बनाया, ये संतत है कि नहीं आपको बताना है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई, ये माइनस एक्स होता है, ये माइनस वाई, ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, आपको बताना है ये जो फलन है, ये f ऑफ x लिया, ये जो है f ऑफ x, वो संतत है कि नहीं, कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, मानिकपुरी साहब कमेंट करके बताना ये संतत है कि नहीं, या हरा लाइन को बनाते समय मेरा पेन उठा कि नहीं, अगर पेन उठ गया होगा तो संतत नहीं है, उसको बोलते हैं असंतत, और पेन नहीं उठा होगा तो फिर संतत, आप कमेंट करेंगे मानिकपुरी जी, ठीक। तो ये हो गया, तो आप लोग ये मैं बताया। अब चलो, अब हर समय तो इतना इजी देगा नहीं ना, इतना इजी तो देगा नहीं ना, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एक लेवल आगे बढ़ते जा रहे हैं, ध्यान से देखो। अब ना ध्यान से बस देखते रहना ना, आप लोग को लाइफ में कुछ नहीं करना है अभी, लाइफ में ना बस आप लोग को मेरा भी लेक्चर बस देखना है अभी। ये मैं एक ग्राफ बनाया, अभी बस ध्यान से देखते रहो ना। देखो शुरू शुरू में ना समझने में ऐसे लगेगा, अरे बाप रे क्या क्या टाइप से हो जा रहा है सर, अरे शुरू शुरू में तो लगेगा ही ना, तभी तो गणित है ये, अगर नहीं होता तो फिर तो इजी सब्जेक्ट हो जाता। ध्यान से देखो, तीन ग्राफ में लिया, ओके ओके कोई बात नहीं। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर ये जो है ना, ये जो है खाली गोला, इसका मतलब होता है अपरिभाषित, और ये भरा गोला जो होता है ना, ये परिभाषित होता है, इसका मतलब परिभाषित, इसका मतलब क्या होता है
अपरिभाषित, 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 जब कभी भी आपको ऐसा खाली गोला दिखा और ऐसा भरा गोला दिखेगा, इसका मतलब होता है परिभाषित, परिभाषित। एकदम बेसिक से जा रहा हूं, एकदम बेसिक से जा रहा हूं, क्योंकि इस अध्याय से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। तो देखो ध्यान से, अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखते रहो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ठीक है, बस ध्यान से बस देखते रहो। ये मैं यहां से ऐसे करके आया, ये बड़ा गोला है, ठीक है। ये और इजी मैं बनाता हूं समझाने के लिए, मैं यहां से आता हूं, चलो ये यहां से आया, ये बड़ा गोला है, यहां पे भरा गोला है और यहां पे खाली गोला है, ठीक है। ये देखो, ये है एक, ये दो, यहां पे तीन, ध्यान से बस देखते रहना। अब ग्राफ से देखते साठ बता दोगे आप देखते साठ बता दोगे कि ये संतत है कि नहीं। मेरा पेन अगर उठा होगा तो ये असंतत है, संतत नहीं। और आप लोग तो देख रहे होगे, यहां से आया तो मैं पेन उठाया, यहां गया, फिर पेन उठाया, यहां गया, मतलब ये असंतत तो है, असंतत तो है, ग्राफ से देख के पता चल रहा है। तो पहले ध्यान से देखो, ये x इज इक्वल टू जीरो है ना, ये x इज इक्वल टू जीरो होता है, यहाँ पे x इज इक्वल टू वन होगा, यहाँ x इज इक्वल टू टू होगा, और ऐसे करके ये चलता जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस वन होगा, x इज इक्वल टू माइनस टू होगा, और ऐसे करके ये चलता जाएगा। इतना तो आप लोग को मालूम है, ठीक है। तो हमारा कंडीशन क्या बोलता है कि संतत की जाँच करने के लिए कंडीशन क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ध्यान से बस देखते रहना। अब पेपर में अगर आ गया ये संतत है कि नहीं, तो ये तो असंतत है क्योंकि मेरा पेन उड़ गया। तो आप एग्जाम में ऐसे थोड़ा लिखोगे ये असंतत है क्योंकि मेरा पेन उड़ गया, ये तो मैं आप देसी भाषा में बताया ना कि समझेंगे कैसे, ठीक है। अब यहां पर तो हमको बताना पड़ेगा ना एग्जाम में गणित की भाषा में। तो देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ध्यान से बस देखते रहना। ये लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब बाई सीमा, आप ये जीरो में खड़े हो, ग्राफ कहां पे टूट रहा है, ग्राफ कहां पे टूट रहा है, जीरो में टूट रहा है। देखो ये प्यार से ऐसा आ रहा था, जैसे ये जीरो में पहुंचे, एक्स इज इक्वल टू जीरो में ग्राफ टूटा और यहां पे जंप कर गया और फिर यहां से बना, मतलब इसको ऐसे करके सीधा जाना था, ऐसे सीधा, ये ऐसे करके सीधा जाना था, सीधा, तो सीधा नहीं गया, जैसे यहां पर आया जीरो में आया, ये टूट गया ग्राफ, एक्स इज इक्वल टू ये जीरो में, एक्स इज इक्वल टू जीरो में ग्राफ टूटा, एक्स इज इक्वल टू जीरो में ग्राफ टूटा, x इज इक्वल टू जीरो में ग्राफ टूटा। तो जहां पे ग्राफ टूटता है ना वही मेरा a की वैल्यू होती है, तो कहां पे ग्राफ टूटा, जीरो में टूटा, तो a की वैल्यू जीरो है। तो इससे पहले एक और चीज मैं लिख लेता हूं, जहां पे ग्राफ टूटता है ना वहीं पे संतत की चेक करते हैं हम लोग, जांच करते हैं। तो यहां पे लिख लो x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर संतत, x बराबर जीरो पर संतत की जांच, ऐसे करके आप लोग सब में लिखेंगे, ठीक है। मैं तो आप लोग को एक बार बता दे रहा हूं, ये हो गया x बराबर जीरो पर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो जहां पे ग्राफ टूट रहा है वहां पे आप खड़े हो, जीरो पे आप खड़े हो, जीरो पे ग्राफ टूट रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या है, एक है। देखो इसकी वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी जीरो से पहले, देखो जीरो से पहले ये जो ग्राफ है इसकी वैल्यू क्या है, सब पॉइंट पे एक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक आया, ध्यान से देखना। राइट हैंड लिमिट जीरो पे खड़े हो आप, जीरो के बाद क्या आता है, 0.1 0.2 ये पूरा, उसमें जब हो तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पे सबकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे सबकी वैल्यू तीन है, यहाँ पे सबकी वैल्यू क्या है, तीन है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में हर पॉइंट पे सबकी वैल्यू क्या थी, हर पॉइंट पे सबकी वैल्यू थी एक। राइट हैंड लिमिट में मतलब जीरो के बाद इस ग्राफ की वैल्यू क्या है, सभी पॉइंट पे तीन, तो एक लिख दो यहाँ पे तीन, ठीक है। और एफ ऑफ जीरो पे ए क्या होता है, जहां पे ग्राफ टूट रहा है, कहां पे टूट रहा है, जीरो पे। देखो एफ ऑफ जीरो,
एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू क्या है, एफ ऑफ जीरो पे मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू क्या है, दो, ये है दो। अब सर दो कैसे, ध्यान से देखो, ये जो है जीरो, x इज इक्वल टू जीरो पे आपको दिख रहा होगा एक दो और तीन। मैं बोला जब खाली गोला होता है तो वो परिभाषित ही नहीं है, परिभाषित नहीं है, भरा गोला है वही परिभाषित है। मतलब x इज इक्वल टू जीरो पे इस y अक्ष पे दो है, दो दो है, एक नहीं है, तीन नहीं है, बड़ा गोला कर रहा हूं मैं, बड़ा गोला। मतलब जैसे ही ये लाइन ऐसे करके एक के पास जा रहा है, एक के पास जा रहा है, जैसे ही इधर एक के पास, ये एक से जा रहा है, एक के पास नहीं, ये ऐसे करके जा रहा है, तो जैसे जीरो में पहुंचे x इज इक्वल टू जीरो में ग्राफ टूट के दो में आ गया, ग्राफ टूट के दो में आ गया, और जैसे जीरो से जस्ट बढ़ा ग्राफ तीन पे आ गया। तो x इज इक्वल टू जीरो पे ना वन टू थ्री क्या है पूछूंगा, तो x इज इक्वल टू जीरो पे मतलब ये f ऑफ जीरो पे वैल्यू टू है। और सिंपल अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो देख लेना, अगर खाली गोला है उसका मतलब अपरिभाषित, भरा गोला है तो वही परिभाषित है भी। तो क्या हुआ, f ऑफ जीरो की वैल्यू दो हो गई। तो यहां पे आप लोग देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, और वो बराबर नहीं है f ऑफ जीरो मतलब f ऑफ a की वैल्यू जीरो रखा, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये संतत नहीं है, ये संतत नहीं है, संतत नहीं है। यहां पे मैं ये वाला पॉइंट भी निकाल के बताया, अगर ये वाला पॉइंट नहीं निकालता तो भी चलता, क्यों, क्योंकि संतत होने के लिए यार ये तीनों कंडीशन का इक्वल होना जरूरी है। जब मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आ रहा है राइट हैंड लिमिट के, तो ये निकाल के मैं क्या ही करूं, ये निकाल के मैं क्या ही करूं बताओ। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो वहीं से पता चल गया ना कि ये तो संतत नहीं होगा, तो ये निकाल के कोई मतलब नहीं, निकाल दोगे तो भी सही है, लेकिन संतत के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ ए होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी नॉट इक्वल हुआ तो वो संतत नहीं। अगर कभी ऐसा आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ये दोनों बराबर आ गया, तो फिर एफ ऑफ ए में जाएंगे हम लोग देखने के लिए बराबर है कि नहीं। अगर बराबर आ गया तो संतत है, लेकिन बराबर नहीं आया तो असंतत। संतत के लिए एक ही चीज है कि तीनों बराबर आना चाहिए, ठीक है क्या। तो ये मैं पहले बताया, ऐसे करके करेंगे। अगर मैं इसी ग्राफ को मॉडिफाई करूं और ऐसे कर दूं, मैं ध्यान से देखो ऐसे कर दूं, ये और ये एक्स, ये वाई, माइनस एक्स माइनस वाई, ध्यान से देखो ये जीरो पे है, ये जीरो। अब मेरा ग्राफ कहां पे टूट रहा है, मेरा ग्राफ कहां पे टूट रहा है, ये मैं प्यार से आ रहा था, ये एक है ना, यहां पे एक करूं, हाँ ये एक है, ये दो है, मेरा ग्राफ ऐसे करके चुपचाप आ रहा था, जैसे ही x इज इक्वल टू जीरो पे पहुंचा, ये x एक्सिस है ना, ये x एक्सिस की वैल्यू है जीरो वन टू एंड सो ऑन, माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन। ये ग्राफ मस्त ऐसे करके जा रहा था, जैसे x एक्सिस x बराबर जीरो आया तो वो टूटा और दो पे चला गया, यहां से आ रहा था, ये टूटा और दो पे चला गया, फिर जैसे ही जीरो से ज्यादा हुआ, x की वैल्यू जीरो से जैसे ज्यादा हुई, वो फिर से अपने एक पे आ गया, वो फिर से अपने एक पे आ गया, और ये ऐसे करके चलता जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पे ब्रेक हो रहा है, x इज इक्वल टू जीरो पे, यहां पे लिख लो भाई, x इज इक्वल टू जीरो पर सांत्यता की जांच, ये आप लोग लिखेंगे, x बराबर जीरो पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, देखो यहां पे चलता आया, जीरो में ब्रेक हुआ, यहां पे गया, फिर ऐसे आया, तो जीरो में ब्रेक हो रहा है, तो x बराबर जीरो पे, तो a की वैल्यू जीरो आ गई है ना, a की वैल्यू जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जहां पे टूट रहा है वहां पे आप खड़े हो, जीरो में टूट रहा है, x इज इक्वल टू जीरो में टूट रहा है ना, x इज इक्वल टू जीरो में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, एक, देखो हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू है एक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया एक। राइट हैंड लिमिट क्या आया, राइट हैंड लिमिट जस्ट जीरो के बाद, देखो राइट हैंड लिमिट में सभी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक, लेकिन एफ ऑफ जीरो क्या आ गया, एफ ऑफ ए लिखते, ए वो होता है जहां पे फंक्शन टूट रहा है, जीरो पे फंक्शन टूट रहा है, ऐसे इसको सीधा जाना था, सीधा ये ऐसे गया, फिर दो पे गया, फिर ऐसे आया, तो एफ ऑफ जीरो पे कितना आ रहा है, जीरो पे,
जीरो पे एक है कि दो है, जीरो पे एक है कि दो है, खाली गोला, भरा गोला, खाली गोला, अपरिभाषित है, तो परिभाषित क्या है, एफ ऑफ जीरो पे दो है। मतलब ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, लेकिन नॉट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट है एफ ऑफ जीरो, तो ये मेरा क्या है, ये भी संतत नहीं है ना, संतत नहीं है, संतत नहीं है, संतत नहीं है, संतत नहीं है, ये भी संतत नहीं है भाई, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब एक और लास्ट आपको ग्राफ बनाता हूं, लास्ट ग्राफ बनाता हूं, अगर ये ग्राफ ऐसा रहा, ये ठीक है, अब कहीं पर नहीं टूट रहा है, सब जगह ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है, ये ऐसे करके चलते जा रहा है, कहीं पर नहीं टूट रहा है, ये कहीं पर नहीं टूट रहा है, कहीं पर नहीं टूट रहा है, ये एक है यहां पर, ये एक, ठीक है, ये ऐसे चलते जा रहा है, ये मैं बोला x बराबर जीरो पे निकालो, मैं बोला x बराबर जीरो पे निकालो, आप x बराबर जीरो पर बोल दिया मैं, हाँ ग्राफ नहीं टूट रहा है, ग्राफ नहीं टूट रहा है, लेकिन आप ऐसा मान लो कि ग्राफ यहीं पे टूट रहा है, ऐसा कहीं पे मान लो कि हाँ यहीं कहीं पे ऐसे करके ग्राफ टूटा होगा, टूटा होगा ऐसे करके ग्राफ, मान लो आप, मान लो आप, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना है, ये ऐसे करके भरा दिखाने का जरूरत नहीं है इस ग्राफ में, इस ग्राफ में ऐसे दिखाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी पे एक है, यहां पे सभी का मान जो है ना, सभी का मान यहां पे एक है, तो आप लोग को ऐसा भरा गोला दिखाने की नीड नहीं है इसके केस में, इसके केस में, और आप लोग को ये देख के भी पता चल रहा होगा कि मेरा पेन उठा ही नहीं, मेरा पेन उठा ही नहीं, तो संतत तो है। तो देखो x बराबर जीरो पे बोला मैं, x बराबर जीरो पे मैं बोल दिया, इस पे चेक करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, आप जीरो पे खड़े हो, जीरो के पहले क्या है इस फंक्शन की वैल्यू, सर एक है, राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जज इसके बाद फंक्शन क्या है, वन है। एफ ऑफ जीरो, जीरो पे निकालना है, जीरो पे निकालना है, तो देखो जीरो पे भी क्या है, जीरो पे भी क्या है, एक, तो ध्यान से देखो आप क्या आया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ जीरो आ गया, इसका मतलब ये संतत है। और अगर मैं देसी भाषा से जो पहले आप लोगों को समझाया था कि जहां पे मेरा पेन नहीं उठा, जहां पे मेरा पेन नहीं उठा वो क्या है, संतत है, जहां पे पेन उठ गया वो संतत नहीं है। देख लो इस दोनों ग्राफ में मेरा पेन उठ रहा था, यहां से मैं लाया और जीरो में पेन उठाया और यहां पे भरा और फिर ऐसे किया, ये दोनों में ना मेरा पेन उठ रहा था, इस सिंगल लाइन बनाने में मेरा पेन नहीं उठा, नहीं उठा, ग्राफ देख के लग रहा है संतत है, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं लिख सकते ना कि ग्राफ देख के लग रहा है संतत है, ठीक है, तो ये कलाकारी करके बताना पड़ेगा। ये अब इस कलाकारी को एक और एडवांस रूप दूंगा मैं अगले वीडियो में कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो पहला लेवल देसी भाषा में मैं बोला, जहां पे पेन नहीं उठा संतत, जहां पे पेन उठा असंतत। थोड़ा सा लेवल बताया कि भैया सिर्फ ग्राफ देख के ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग इस सूत्र से बताएंगे, ये तब क्या हो जब ग्राफ ही ना दिया हो, ये तो ग्राफ दिया है तो आप बता दिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट ये है, तब क्या हो जब ग्राफ ही ना दे, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा ऐसा। अब ग्राफ तो है नहीं, ग्राफ तो है नहीं, ग्राफ तो है नहीं कि देख के बता देते कि भी मेरा पेन उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, अब तो पता नहीं आपका पेन उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, अब तो आपको ये भी नहीं पता ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, यहाँ से देख के तो बता दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, यहाँ से देख के बता दिया राइट हैंड लिमिट, यहाँ से देख के बता दिया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, यहाँ मैं किसको देखूँ, मैं किसको देखूँ, तो ऐसे केस में क्या करते हैं ये बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सिर्फ फॉर्मूला एक तो बस याद रखना, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ ए होता है, वो संतत कहलाता है। तो आप लोगों को मैं बेसिक बताया, अब डायरेक्ट प्रहार करूंगा मैं क्वेश्चन पे। तो मिलता हूं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।